प्लीज वेलकम धारी देवी मंदिर के महंत माधव आनंद ध्यानी व्यास जी। बाबा, या अल्लाह, अगर बाबा ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर इन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये आपके हाथों में जो कंगन है ये चोरी के कंगन है। किसने आपको ये कंगन लाके दिए हैं? जानती भी है ये कंगन ध्यानी परिवार के कंगन है। अरे अरे, क्या मुंह भर भर के झूठ बोल रही है? मैं क्या तुझे चोर नजर आती हूँ? आप मुझे सच बताती हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? वैसे भी व्यास जी ने इन कंगनों की रिपोर्ट फाइल कर दी है। बस अब ये तस्वीर पुलिस तक पहुंचाने की देर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जिस आदमी को मारने के लिए हर दिन सपना देखा मैंने, जिस बेग से बदला लेने के लिए हर दिन तड़पता रहा मैं, उसने मेरी जान बचाई। इस इंसान ने मुझसे मेरी भक्स को छीना है, मेरे परिवार की खुशियां छीनी है इसने। दुश्मन है ये मेरा, दुश्मन है ये मेरा। कौन से जौहरी से आपने कंगन खरीदे हैं? वो मैंने कोई चोरी से नहीं, वो ये कंगन तो मुझे किसी और ने बेचे थे। सरस्वती जी के कंगन इन्हें कौन बेच सकता है? ये काम तो बस प्रमुख जी का ही हो सकता है। कौन है वो जिसने आपके कंगन बेचे हैं? मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन मेरे सहेली ने मिलवाया था उनसे। मैं भी मिलना चाहती हूँ उनसे। अगर आपने मुझे उस इंसान से नहीं मिलवाया तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि हमारे घर से चोरी हुए कंगन आपके पास हैं। ठीक है ठीक है, अब मैं मिलवा दूंगी आपको उनसे। डॉक्टर बेग, डॉक्टर बेग, क्या हो रहा है? डॉक्टर बेग, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर बेग, आप आराम से लेट जाइए। क्या करूं डॉक्टर भट्ट? डॉक्टर भट्ट फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? चाहत, हानिल, चाहत, अच्छा सुनो मेरी बात, कुछ अर्जेंट है। एक 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 पेशेंट है, उसको खांसी आ रही है बहुत ज्यादा और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। व्हाट कैन आई डू? पेशेंट ये कौन है? वो मंदिर के सेवक के पिताजी हैं। अच्छा, तो आप एक काम करें, मुझे लोकेशन सेंड कीजिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 नहीं, चाहत चाहत, तुम नहीं आओ, तुम मुझे फोन पर बताओ, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ से। नील, आप एक काम करिए, सबसे पहले उबलते हुए पानी में सर्दी वाला बाम मिक्स करके उन्हें स्टीम दीजिए। तो फिर उसके बाद गर्म पानी में तौलिया डिप करके उनके चेस्ट पर उन्हें उस तौलिए से सेक दीजिए। उसके बाद नील उनकी पीठ को थपथपाकर कोशिश करें कि जो भी कफ जमा हुआ है ना वो बाहर निकल पाए। एंड नील, एक बार अगर एयरवेज क्लियर हो जाएंगे ना तो वो सांस ले पाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मिस्टर बेग, आप मिस्टर बेग इधर आइए। स्टीमर कहाँ मिलेगा अब? सर्दी वाला बाम कहाँ से लाऊं अब मैं? ये कहाँ से आ गया? अभी तो नहीं था यहाँ पर। टॉवल, टॉवल कहाँ से मिलेगा अब? डॉक्टर बे, उठिए प्लीज।
मूर्ति का ऑर्डर मुझे भूपेंद्र ने नहीं दिया था, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देंगे। बस उनका नाम लेने के लिए बोला था। अरे भोलेनाथ, इसका मतलब भूपेंद्र निर्दोष है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मूर्ति चुराने जैसा घृणास्पद कार्य कर कौन सकता है। अब ये कफ निकालने के लिए बोल कहां से? डॉक्टर भाई अब ये रखिए, आप इसमें निकालिए कफ। भोपू, हो गया तेरा नाटक, बाहर आ जा। सामने क्यों नहीं आ रहा है? ओ भयंकर, क्या है ये मास्क? आप ही ने कहा था ना तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। यार तेरे दिमाग में ये मतलब अतरंगी आइडिया कहां से आते हैं? और तुझे मास्क भी मिला तो हनुमान जी का। हाँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, जैसे हनुमान जी के दिल में राम जी के लिए थी। नौटंकी भैजी, वो नकली मूर्ति मैंने नहीं बनवाई, मैंने तो अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मैं जानता हूं मेरा भाई कभी गलत काम नहीं कर सकता। I'm sorry. आखिर ये नकली मूर्ति किसने बनवाई है? छाबरा भी बता रहा था कि वो इंसान बहुत ही खतरनाक है बाबा। वो तो उससे इतना डर रहा था कि उसका नाम बताने तक को तैयार नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोहे की फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसमें भी उसी का हाथ है। और जिसने नील की जान लेने की कोशिश की उस आदमी को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। चार बेटा, बेटा तू एक काम कर, ये बात जल्दी से नील को बता दे कि भूपेंद्र निर्दोष है। जी मामा जी। चाहत ने वॉइस नोट भेजा। मुझे माफ कर दो बहन, मूर्ति का ऑर्डर मुझे भूपेंद्र ने नहीं दिया था, बस उनका नाम लेने के लिए बोला था। किसने आपसे कहा था वो नकली मूर्ति बनवाने को? मैं उनका नाम नहीं बता सकता। लेकिन देखा तूने कितनी जिद्दी है ना तेरी जाबी, उसने साबित कर दिया कि तू झूठा नहीं है। लेकिन उसकी ये बात साबित करने से पहले ना मुझे सबूत मिल गया था कि तू गलत काम कर ही नहीं सकता। कैसे भाईजी? तेरी झाबी ने ना मुझे अपना दिल दिया है, उसके दिल के आंखों से देखने की कोशिश की मैंने। प्रमुख जी, आपसे कुछ बात करनी थी। नीलकंठ की बुआ रही, बोलो ना। अब प्रमुख जी, आपको याद है नील ने सरस्वती दीदी के बर्थडे के लिए कंगन बनवाए थे? मुझे ना वो कंगन चाहिए। इसका मतलब प्रेम कहानी की तो शुरुआत हो गई। बिन बारात के बच गया भोपू, दिल उसने दिया है सोचने के लिए। भोपू ने जो कहा वो सच तो नहीं होगा ना? ऐसे अचानक क्यों? वो मैं सोच रही थी ना कि कृपा के लिए बिल्कुल उसकी माँ की तरह छोटे छोटे कंगन बनवाती हूँ। वो सरस्वती के सारे गहने वो बैंक के लॉकर में। लेकिन प्रमुख जी, आपने तो मुझसे कहा था कि लॉकडाउन के वक्त आपने सारे गहने लाकर घर की तिजोरी में रखे थे।
हाँ याद आया, वो दरअसल मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ तो भूल जाता हूँ। मैं अभी जी तिजोरी में देखता हूँ। यही रखे थे कंगन, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा शक प्रमुख जी को लेकर सही था और मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगी। प्रमुख जी, कोई जल्दी नहीं है, जब मिल जाएंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल। हेलो, मैं व्यास जी की बहू बोल रही हूँ। क्या आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने आपको कंगन बेचे थे? नहीं नहीं, अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। जैसे ही बात हो जाती है तो मिलने की एक जगह फिक्स करके मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके। और उस इंसान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए कि आप मुझे उनसे मिलने के लिए बुला रही हैं। कोई भी चालाकी की तो आपको याद है ना, मेरे पास वो फोटो है जिसमें आपने वो कंगन पहने हुए हैं। आपकी सच्चाई तो सबके सामने मैं ला कर रहूंगी प्रमुख जी। पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, भोपू को गलत कैसे समझ बैठा मैं। स्टुपिड 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 नील। खबरदार, जो आपने मेरे नील को स्टुपिड कहा तो गलतियां तो सबसे होती है ना, अब अंत भला तो सब भला। आखिर बुद्धू घर लौटकर आ ही गया ना। पता है भाईजी, जब खबर आई कि आप नहीं रहे तो मैंने छाबी की आंखों में प्यार को दर्द बनकर छलकते देखा। प्लीज इस बुद्धू को कभी रास्ते से भटकने मत देना। चाह तुमने मेरी बचपन की दोस्ती को, मेरी फ्रेंडशिप को टूटने से बचाया है। तुम औसम हो यार, तुम औसम हो। ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे ना बढ़े, इसलिए अब से जो भी बबू भैया कहेंगे ना, आप उनकी हर बात पर आंख बंद कर बिलीव करेंगे। और ये मेरा ऑर्डर है आपसे। वो आपसे बहुत प्यार करती है, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो उनसे एक बार पूछ लीजिए, एक बार भेजिए। हर बात? जी हाँ, हर बात। अरे पता है उसको लगता है कि तुम यहां बैठो एक बार। अपनी आंखें बंद करो ना। हाँ? आंखें? क्यों? अरे प्लीज करो ना आंखें बंद। नील। ओहो, तुम आंखें बंद करो। अभी आंखें बंद रखो और सोचो, तुम्हें वो चेहरा नजर आएगा जो तुम्हें अपना सा लगने लगा, जिसके लिए
तुम्हारे दिल में हमेशा चिंता रहती है, जिसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लेकर आती है, जिसके गम से तुम्हारी आंखें नम रहती हैं। देखने की कोशिश करो, एक चेहरा नजर आएगा। लेकिन नील, आप ये सब क्यों? जिसके लिए तुम सैक्रिफाइस कर सकती हो, वो जिस पर तुम्हें इतना भरोसा हो कि तुम्हारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाए। किसी का चेहरा नजर आ रहा है तुम्हें, सच सच बताओ किसका चेहरा दिख रहा है तुम्हें? कुर्बान हुआ कौन था? डायपर। डायपर? हाँ, वो कृपा का डायपर खत्म हो गया ना, तो मेरे दिमाग में तो बस वही चल रहा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम? प्लीज बताओ ना किसका चेहरा दिखाई दिया, प्लीज। कुर्बान हुआ, प्लीज। बताओ कौन था? चेहरा मुझे दिखाए वो वाओ। ये तुम्हारी मेडिकल एग्जाम का हॉल टिकट? हॉल टिकट डिलीवर हो चुका? ओ भयंकर, ये किसने रिसीव कर लिया होगा? और ये गलती से भी चाहत का टिकट किसी के हाथ लग गया ना, तो पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर है, सारा राज खुल जाएगा। ये चिट्ठी किसके नाम की है? केवल ध्यानी निवास लिखा है। कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती मुझसे? कैसे? क्या बात हो गई? अरे लानत है व्यास जी मेरी दोस्ती पर, अपने बचपन के दोस्त भोपू, उसको कैसे गलत समझ बैठा मैं? नहीं व्यास जी, नहीं नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है सिचुएशन, इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। भोलेनाथ, नीलकंठ चिंता मत कर, नीलकंठ सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तेरा कोई ऐसा मित्र हो जो तुझे उपेंद्र से बातचीत करने का कोई उपाय सुझा दे। धीरज रख बेटा। Thank you.
आज आप सभी लोगों का पीजी मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है एक महान हस्ती। प्लीज वेलकम धारी देवी मंदिर के महान माधव आनंद ध्यानी व्यास जी। बाबा, या अल्लाह, अगर बाबा ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे ने पता चल जाएगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ।